नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में शिशु का कैसे विकास होता है, गर्भ में उसके मन में क्या क्या विचार आते हैं और गर्भावस्था के 9 महीने तक गर्भ में शिशु ईश्वर से क्या कुछ कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में एक रात्रि का जीव कोद के बराबर यानी सूक्ष्म कण के समान, 5 रातों का जीव बुदबुद यानी बुलबुले के समान और 10 दिनों में जीव बद्रीफल यानी बेर के समान होता है। इसके बाद वह एक मांस के पिंड का आकार लेते हुए अंडे के समान हो जाता है। गर्भावस्था के 1 महीने में शिशु का मस्तक, 2 महीने में उसके हाथ आदि अंगों की रचना होती है, 3 महीने में शिशु के हड्डी, रोम, नाक, कान, मुंह, लिंग, नाखून आदि अंग बनने लगते हैं, 4 महीने में शिशु की त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा का निर्माण होता है, 5वें महीने में शिशु को भूख और प्यास भी लगने लगती है, 6 महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली, जिसे आज वैज्ञानिक भाषा में एमनियोटिक सैक कहते हैं, उस झिल्ली में ढंक कर माँ के गर्भ में घूमने लगता है, हलचल करने लगता है और माँ के द्वारा खाए गए भोजन को ग्रहण करने लगता है। ऐसे में माँ अगर रूखा, ज्यादा मिर्च मसाले वाला यानी तीखा, कसैला आदि भोजन करती है तो इससे शिशु बेचैनी महसूस करता है और इससे शिशु के कोमल अंगों को कष्ट होता है। गर्भावस्था के 7वें महीने में गर्भ में शिशु को ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है और वह सोच विचार करने लगता है। ऐसे में शिशु सोचते सोचते ही गर्भ में घूमता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 7वें महीने की अवस्था में शिशु दुख और वैराग्य से भगवान की स्तुति करने लगता है। शिशु गर्भ में ईश्वर से बातें करते हुए कहता है कि मेरी अब इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं है, क्योंकि यहां से बाहर निकलने के बाद और दुनिया में आने पर मुझे पाप कर्म करने पड़ सकते हैं और इससे मुझे नरक की प्राप्ति होगी। ऐसे में शिशु सोचता है कि अगर मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह दुखी होता है और इधर उधर घूमने लगता है। ऐसे में शिशु ईश्वर से विनती करते हुए कहता है कि हे संसार के पालक और जो भी आपकी शरण आए, उसका पालन करने वाले भगवान श्री विष्णु जी, मैं आपका शरणागत हूं। गर्भ में शिशु को ऐसा सोच विचार और ईश्वर की स्तुति करते हुए 9 महीने हो जाते हैं। इसी प्रकार गर्भ में ईश्वर का विचार करते हुए शिशु प्रसव के दौरान नीचे मुख से दबाव और वायु से तत्काल बाहर निकलता है और प्रसूति की हवा से उसी समय ही शिशु श्वास लेने लगता है। लेकिन माँ के गर्भ से अलग होने और इस दुनिया में आने के बाद गर्भ में उसने जो कुछ प्रभु से कहा होता है, वे सब बातें शिशु भूल जाता है और अब उसे किसी भी बात का ज्ञान नहीं रहता और वह बिल्कुल ज्ञान रहित हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।